दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दा को लेकर के। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज क्रोएशिया का वीजा को लेकर के। कई लोगों के प्रश्न होता है कि क्रोएशिया का वीजा इतना डिले क्यों होता है, 7 महीना 8 महीना क्यों लगता है, और कई लोगों का सोचना है कि यार मेरा जो वीजा है वो बहुत जल्दी आ गया, Within 3 months आ गया। क्यों ऐसा होता है कि किसी का वीजा 3 महीने के अंदर आ जाता है और किसी का वीजा 6 से 8 महीने का समय लगता है। इसका बहुत सारे पहलू, बहुत से कारण है दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये 3 स्टेप आज मैं जो बताने वाला हूं, 3 रास्ते, अगर आपने भी वो किया तो डेफिनेटली आपका भी जो वीजा है दोस्तों, वर्क वीजा, वो कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर आने का आसार हो जाता है। अन्यथा आपको भी 6 से 8 महीना तक का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप 6 से 8 महीना का वेट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी वीजा 3 महीने के अंदर आना चाहिए तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जो मैं 3 स्टेप बताने वाला हूं वो भी आप ध्यान में रखें, उस हिसाब से अगर आप भी काम करते हैं या आपका प्रोसेस करवाते हैं तो आपका भी वीजा Within 3 months आने वाला है। तो क्या करें, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप, जैसे आप सोचते हैं कि आपको यूरोप कंट्री जाना है तो यूरोप में कौन सा कंट्री जाना है पहले ये तय कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप तय कर लेते हैं आपको एक मेन डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, वो है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अगर आपने सोचा कि आपको क्रोएशिया जाना है, एग्जाम्पल क्रोएशिया जाना है, तो क्रोएशिया में PCC का जरूरत पड़ता है, तो PCC आप क्या करें, तुरंत अप्लाई कर दें, क्योंकि PCC आने में कहीं कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीना भी समय लग सकता है। तो इसमें अगर आपका PCC 1 महीने के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप 1 महीना अपना बचा सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे आपको पता चला कि भाई मुझे क्रोएशिया जाना ही है चाहे कोई भी हाल में है, तो आपने PCC अप्लाई कर दिया, उसके बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका 1 महीना बच जाएगा। अगर आप अप्लाई करने के बाद PCC अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको ही हो सकता है, ठीक है। और क्लाइंट क्या करता है, जब तक आपका PCC का अप्रूवल विथ एपोस्टाइल नहीं मिलता आपको ऑफर लेटर नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसा है, राइट। तो क्या करें, सबसे पहले PCC अप्लाई कर दें, आते ही एपोस्टाइल करके रख दें। PCC का जो वैलिडिटी है दोस्तों 6 महीना रहता है, ऊपर एक डेट आता है, वो डेट को देख लीजिएगा, उस दिन से 6 महीना तक का ही वैलिड रहेगा, 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी रेडी रहना है, अगर आपका प्रोसेस डिले हो रहा है तो आपको दोबारा PCC अप्लाई करना होगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करने जाएंगे VFS में तो आपको वहां पर PCC जमा करना पड़ता है। तो अगर पहले वाले का वैलिडिटी खत्म हो जाता है तो आपको दूसरे में अप्लाई करना है। दूसरा स्टेप, जैसे आप समझ जाते हैं कि आपको क्रोएशिया अप्लाई करना है, पहले आप वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी में पता चल जाता है कि आपका कौन सा पोजिशनल अप्लाई करना है और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको अपना CV को बनाना है, यूरोपा CV और कवर लेटर को उसी हिसाब से मॉडिफाई करके तैयार करना है, क्योंकि अगर आपने कहीं पर गलत कर दिया या सही कंटेंट नहीं लिखा अपने प्रोफाइल के बारे में तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो क्या करना है, एक अच्छा एक्सपर्ट के साथ बैठ करके, या खुद से अगर आपको आइडिया है, आपका प्रोफाइल है, अगर आपको अच्छा आइडिया है लिखने का तो आप खुद से अच्छा एक प्रोफाइल बना लीजिए और उसे अपना क्लाइंट को भेज दीजिए ताकि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाए, ठीक है। तीसरा, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं इसके बाद आप ये मत सोचें कि यार मुझे ये पोजिशन अप्लाई करना था मैंने वो पोजिशन अप्लाई कर दिया, यार नहीं मुझे अब क्रोएशिया नहीं जाना है, मुझे माल्टा जाना है, या मुझे हंगेरी जाना है, या मुझे और दूसरा कंट्री जाना है, तो इस तरह का माइंड को फ्लक्चुएट मत कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, यूथ माइंड है ना, कई लोग क्या करते हैं माइंड को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, एक बार अप्लाई कर दिए उनको पता है कि 4 से 5 महीने का समय लगता है और 2 महीने के अंदर फिर सोचेंगे नहीं 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 मुझे ये कंट्री नहीं जाना है, मुझे दूसरा कंट्री जाना है, राइट। तो फिर दूसरा कंट्री अप्लाई किया, अब दूसरा कंट्री के बाद वहाँ फिर से 2 महीने के बाद फिर माइंड फ्लक्चुएट हो गया, नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना है मुझे वहाँ जाना है। तो इस तरह का जब माइंड फ्लक्चुएट होते रहता है तो आपका प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है दोस्तों, और ये यूरोप का प्रोसेस है, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4, कभी 5, कभी 8 महीना भी समय लग सकता है अगर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहा तो। तो क्या करें, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है, PCC सबसे बड़े बात, ठीक है, आपका पासपोर्ट,
और एड ऑन बता दूं, आपके पास जो पासपोर्ट है उसका 2 साल का वैलिडिटी मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है जब भी आप सोचते हैं कि आपको यूरोपियन कंट्री जाना है, वो भी किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, तो उस कंट्री का PCC, उस कंट्री का जो वैकेंसीज है, वैकेंसी के हिसाब से आपका पूरा प्रोफाइल रेडी होना चाहिए, पासपोर्ट रेडी होना चाहिए और माइंड आपका फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। कभी ये कंट्री कभी वो कंट्री से करते रहेंगे तो 2 साल तक भी जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखेंगे तो आपका काम होना तय रहता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो दोस्तों आपको यूरोपियन कंट्री नहीं अप्लाई करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको जल्दी है तो जल्दी में गल्फ है, मालदीव्स है, सिंगापुर है, मलेशिया है, तो इस तरह कंट्री में आपको अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर वीज़ा आ जाता है और आप जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा, जो काम आप कर रहे हैं तब तक जॉब से रिजाइन मत कीजिए जब तक आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाए, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर हमने रिजाइन नहीं किया तो कंपनी हमको पेनाल्टी मांगेगा या फिर 2 महीने का जो नोटिस पीरियड होता है वो देना पड़ेगा। तो देखिए, हर एक कंपनी का नियम तो होता ही होता है। अगर आपको 2 महीना या 1 महीने का नोटिस पीरियड देना तो क्या होगा, अगर आपने तुरंत जॉब छोड़ने का सोचा तो आपको 1 महीने का जो सैलरी है वो आपको कंपनी को देना होता है या फिर आपका सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप अगर इतना सारा रुपया खर्चा करके विदेश जाने का सोच रखे हैं और कहीं आप वो डिले कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होने वाला है। तो क्या करें, नौकरी तो नहीं छोड़ना चाहिए, रिजाइन नहीं करना चाहिए करंट जॉब को, लेकिन हाँ जैसे भी जा जाता है अपने HR से बैठ करके बात करके उनको समझाइए कि मेरा करियर का सवाल है और मुझे बाहर जाना है, उसके बाद आप जॉब छोड़ करके फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात और ध्यान रखें, जो कंपनियाँ प्रेजेंट काम करें उससे भागें मत, क्योंकि फ्यूचर की बात है, करियर की बात है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही वीजा आता है कंपनी को इन्फॉर्म ही नहीं करते जो कंपनी में काम करते रहते हैं, बिना बताए उड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीका से जाना चाहिए दोस्तों, आपको प्रॉपर रिजाइन करना चाहिए, प्रॉपर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा कंपनी से वो ले लेना चाहिए ताकि कल अगर सामने वाला कंपनी पूछता है तो आपको बताने के लिए कुछ तो रहेगा। यार इन फ्यूचर जब भी आप नए जॉब्स के लिए जाते हैं तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, काम से भाग जाते हैं, नया जॉब ले लेते हैं, जब थर्ड कंपनी फिर जाएंगे जॉब्स के लिए तो उस दौरान फिर दिक्कत होता है, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का टिप कि अगर आप भी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो कैसे जल्द से जल्द आप अपना वीज़ा यानी वर्क परमिट मंगवा सकते हैं या लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो मैंने 3 स्टेप कहा उसका बिल्कुल ध्यान रखें ताकि आपका वीज़ा आने में जल्दी हो जाए। और उनका वीज़ा जल्दी आ जाता है, मैंने भी कई बार देखा है, जब एयरपोर्ट जाता हूं तो आपने देखा होगा कई लोगों का वीजा 3 महीने के अंदर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट बराबर रहता है, उनका सारा डॉक्यूमेंट प्रीवियसली रेडी रहता है जब वो अप्लाई करने आते हैं। और आप क्या करते हैं, जिस दिन कोई भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं आप उसी दिन से दिन का गिनना चालू कर देते हैं, ठीक है, कि आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अरे भैया, जब तक आप डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए हैं तो आपका प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, राइट। तो आपको प्रोसेस कब से शुरू करना चाहिए या कब से काउंट करना चाहिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है उस दिन से आपको काउंट करना चाहिए कि आपका प्रोसेस कितना दिन का समय लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा तब तक आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं होगा, ओके। तो ये बात को ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा अगर आपका भी कोई क्वेरी या कोई डाउट्स है। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी सवालात होंगे जल्द से जल्द जवाब देने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।